क्या इब्राहिम आया था ये पूछने के चोर आए कि नहीं? तो तुमने क्या कहा? ठीक किया तुमने। अब अगर कोई भी आया और मेरे बारे में पूछे तो यही बोलना। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब इब्राहिम को मुझ पर शक था कि मैं झूठ बोल रही हूं या सच। अब तो उसको यकीन हो गया होगा कि घर में बाकी चोर आए थे। इब्राहिम भी बहुत जला गया। कुत्सिया, कहां से आ रही हो इतनी सुबह सुबह? वैसे तो मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इतना तजस्सुस हो रहा है तो मैं बता देती हूँ, शायद तुम्हें रात को नींद ना आए वरना। मैं अपने घर गई थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम इस घर को अपना घर नहीं समझती तो यहां से जाते हुए भी तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। शौहर के घर को अपनाने से माँ बाप का घर पराया नहीं हो जाता, बल्कि उससे रिश्ता और मजबूत हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैके को घर समझने वाली लड़कियां ससुराल में नहीं बसती, ऐसा राबिया आंटी का कहना है। तुम उन्हें बगैर बताए चली गई ना घर से, तो वो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच के मुताबिक नए रिश्तों को निभाने के लिए पुराने रिश्तों को छोड़ा नहीं जाता। छूट जाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये नए बनाए हुए रिश्ते तुमसे शदीद नफरत करते हैं और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि जिस घर में कोई आपसे इतनी नफरत करता तो वहां तो आप दो पल भी नहीं ठहर सकते, और तुम तो जाने का नाम भी नहीं लेती यहां से। जो प्यार मुझे इब्राहिम से मिला इस घर में, उसके आगे इस नफरत की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अफसोस, तुम्हें क्या पता प्यार और मोहब्बत का? तुम्हारी तो हरकत ही ऐसी है कि कोई तुमसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मुझे इब्राहिम का यूं मेरे लिए परेशान होना बहुत अच्छा लग रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अब भी मेरे लिए एक एहसास और एक जगह बाकी। जिस तरह मैं उसकी गले लगी और जिस तरह उसने मुझे सहारा दिया, इस चीज को तुम्हारी जबान में क्या कहते हैं कुत्सिया? प्यार ही कहते हैं ना। कुसिया, तुम्हें मेरा इस तरह इब्राहिम के बारे में बात करना बुरा तो नहीं लगा? मैं तो एक दोस्त होने के नाते कह रही थी। आई होप तुमने माइंड नहीं किया हो, गलत मतलब ना लेना इन बातों का। मैं क्यों माइंड करूंगी? मैं समझ सकती हूँ नाया, डर और खौफ से उस वक्त तुम्हारी मेंटल कंडीशन क्या थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? राबिया आंटी के सामने मेरी क्या हैसियत है तुम अच्छी तरीके से जानती हो कुत्सिया। अगर उनको पता चला कि तुम इस तरह की बातें मुझसे कर रही हो तो तुम जानती हो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगी। मेहमान अगर अपनी हद में रहे तो बदतमीजी की नौबत भी नहीं आती, और तुम इस घर में मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहो। फिल वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, और तुम्हारी बातों पे ध्यान देने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है कुत्सिया। जब किसी के पास सामने वाले को देने के लिए कोई दलील ना हो तो वो उसको टीज करता है, तंजिया जुमलों का सहारा लेता है।
जैसे तुम और राबी आंटी सहारा लेते हो तंजिया जुमलों का मुझे नीचा दिखाने के लिए। बकवास बंद करो और जाओ यहां से। राबिया आंटी के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं ताबिंदा आंटी के साथ, जाओ किचन में और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, जो तुम्हारी इस घर में औकात है।